छह दर्दनाक स्मार्टफोन फेस जो कंपनियां चाहती हैं कि आप भूल जाएं, लेकिन हम जिंदा करेंगे इन्हें क्योंकि शायद ये गलतियां नहीं थी। काला झूठ। और हाँ, इस लिस्ट में आपकी फेवरेट कंपनी भी है। इंतजार करना उनके कांड का, तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्लीज रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना यार। इस वीडियो में हम बात करेंगे छह ऐसे इवेंट्स जिसमें स्मार्टफोन कंपनीज ने लिटरली छाती ठोक के बिल्कुल जबरदस्त झूठ बोले हैं। देखो, एक झूठ होता है जो हम बोलते हैं कि मतलब कल से सुबह उठेंगे, जिम जाएंगे, प्रॉपर रूटीन फॉलो करेंगे, वो वाला झूठ जो हम खुद से करते हैं, नहीं करना चाहिए। और दूसरा होता है आप यही बात बिल्कुल मस्त अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में या स्टेज के ऊपर चढ़ के मस्त बोलते हो कि कल से मैं अपना रूटीन फॉलो करूंगा, एंड रिजल्ट दोनों का ही सेम हो, तो वो होता है तगड़े वाला झूठ। और यहाँ हम इस दूसरे वाले झूठ की बात करेंगे, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और इस टाइम स्टैम्प पे बात करेंगे इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव। तो फाइनली शुरू करते हैं। थैंक यू गुरुजी। फरवरी 18, 2016, Freedom 251। बहुत ही आजाद कंपनी थी ये। उस टाइम पर हम कॉलेज में जोक मारा करते थे कि 500-700 का जब हम हेडफोन लेने जाएंगे उसके पास चेंज नहीं होगा तो बदले में फ्रीडम 251 दे देगा। आई नो थोड़ा लेम है, लेकिन उस टाइम पे सच में बहुत मजा आता था इसे करने में। चलो पूरी कहानी को रिकैप करते हैं। एक स्मार्टफोन जिसकी स्पेसिफिकेशन ये है, उस टाइम पर ऐसा स्मार्टफोन अराउंड रफली 4,000 से 5,000 के अराउंड प्राइस ब्रैकेट में आता था। बट एक कंपनी आई रिंगिंग बेल, बहुत तगड़े बजाए इसने हमारी उम्मीदों के। तो इस फोन की कीमत इस कंपनी ने 251 इंडियन रुपीस रखी। आज भी हजम नहीं होता मुझे इसका प्राइसिंग। और सबसे ज्यादा अगर कुछ इंडियन थिंग है, टू मच इंडियन थिंग, तो ये जो 1 रुपीस लगाया ना इस 251 में, टॉप में रखो इसे। और हाँ, 40 रुपए एक्स्ट्रा डिलीवरी के भी लेते थे जो कभी यूटिलाइज नहीं हुए, मतलब कभी डिलीवरी नहीं हुए। इस फोन के लॉन्च होते ही हम लोग वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे, और ज्यादा फेमस हो गए जब लोगों को पता चला ये स्कैम है। बट कुछ वियर्ड चीजें बता दो, क्यों ये स्कैम इतने बड़े पैमाने पे हुआ। सबसे पहली चीज, जब ये इवेंट लॉन्च हुआ था उसमें काफी बड़े बड़े नेता अटेंड किया था वो इवेंट। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने उन्हें कन्विंस कैसे किया कि मतलब आपकी कंपनी को फायदा क्या होगा, हम सिर्फ ये इंडिया के लिए कर रहे हैं। और नेता इज लाइक ओके या गो फॉर इट। दूसरी चीज, ये फोन बिल्कुल टू मच इंडियन था, मतलब बैक कवर आपको इंडियन, फोन ऑन करोगे तो आपको फर्स्ट स्क्रीन आपको बिल्कुल इंडियन फ्लैग देखने को मिलेगा, और बिल्कुल स्टेज पर मतलब हम सिर्फ इंडिया के लिए कर रहे हैं, सारा लॉस हम जो बियर कर रहे हैं सिर्फ इंडिया इंडिया इंडिया। काफी लोग इसे देशभक्ति के मामले में सच मान बैठे, आई वॉज वन ऑफ देम। और साथ में अगर इंडिविजुअल लॉस भी देखोगे तो 251 रुपीस बहुत ही कम राशि है अगर एक फोन के कंपैरिजन देखे तो रिस्क लेना बनता था। और एट द एंड सबसे मस्त चीज, निष्कर्ष ये निकला कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम सबको ऑर्डर डिलीवर कर देंगे, बट हमारी एक शर्त है, अगर हमें पीएम फंड से, और उस वक्त हमारे पीएम मोदी जी थे, तो वो अगर हमें 50,000 करोड़ रुपीस दे देते हैं तो हमें सारे फोन डिलीवर कर देंगे। आई एम स्पीचलेस, आप कुछ समझ लो। दूसरे झूठ की तरफ, नवंबर 16, 2016, OnePlus। ये बात उस टाइम के जब OnePlus फ्लैगशिप किलर हुआ करते थे, ना कि आजकल की तरह बटुआ किलर। ओके, मजाक की बात को साइड करते हैं। 2013 में एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था जिसमें पाया गया था जितने भी ये बेंचमार्क टेस्ट होते हैं ना, उन सब में मोस्टली जितनी फेमस कंपनियां हैं इंक्लूडेड सैमसंग, LG, सोनी, HTC, हाँ HTC उस वक्त बहुत फेमस हुआ करती थी, सारे बेंचमार्क में चीटिंग करते हैं। लेकिन OnePlus के लिए स्पेशल था क्योंकि ये OnePlus का पहला चीटिंग था विद OnePlus 3T, और ये इंक्लूडिंग सारे बेंचमार्क की बात कर रहा हूँ। इनका बेसिक फंडा था CPU और GPU को ओवर बूस्ट करना, ताकि जब भी आप ये बेंचमार्क एप्लीकेशन रन करोगे ना, ये खुद डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भैया ये एप्लीकेशन रन करना है और इसको हमें तगड़ा वाला बूस्ट देना है। और नॉर्मल सी बात है, आम दिनों के यूसेज में आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उन परफॉर्मेंस 5 से, तो काइंड ऑफ प्रैक्टिकल यूज से परे हो जाता है उनका जो नंबर निकल के आता है। OnePlus 3T 0.31 GHz पे नॉर्मली रहता था मोस्टली एप्स जब रन करते थे, लेकिन जब भी आप ऐसे बेंचमार्क वाले ऐप रन करते थे 1.29 GHz बड़े कोर्स वाले और 0.98 GHz जो स्मॉल कोर्स थे, मतलब जंप देख रहे हो आप। और ये नोटेड डाउन हुआ था Geekbench ऐप में। पता कैसे चला इसका, जब Geekbench का 3.0 से 4.0 का अपडेट वर्जन आया और दोनों ऐप वर्जन में रिजल्ट में काफी फ्लक्चुएशन आई, और उसका जब क्रॉस चेक किया गया तो ऐसा घपला घोल झोल ऐसी चीजें निकली। कूडोज टू OnePlus। बाद में उन्होंने इस चीज़ को एडमिट भी किया, लेकिन सीधा सीधा ना बोल के ऐसे घुमा के कि नोगेट के अंदर आपको जो परफॉर्मेंस मिलता है ना, हम डेफिनेटली बूस्ट करके रखते हैं हर एप्लीकेशन में, ताकि आप यूजर्स को अच्छा परफॉर्मेंस मिले फोन के अंदर, जबकि ऐसा नहीं था। दिसंबर 4, 2018, सैमसंग।
ये वो वाला टाइम है जब पोर्ट्रेट मोड एज अ फीचर के तौर पर यूज होता था मिड सेगमेंट फोन के अंदर। अब आपको एक चीज मालूम होगी, सैमसंग जब भी कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है उसकी खूब हाइपिंग की जाती है पूरे मार्केट में, और मजे की बात यह है कि फ्लैगशिप से ज्यादा वो लोग अपना ढिंडोरा पीटते हैं मिड सेगमेंट डिवाइसेस को लेकर। ऐसा ही एक सितारा गैलेक्सी 8 स्टार था। तो ये डिवाइस लॉन्च हुआ बिल्कुल मस्त टैगलाइन के साथ, फोकस ऑन व्हाट नीडेड, और शायद मेन चीज पे उन्होंने फोकस नहीं किया, प्रोडक्ट। अब इन जनरल ये होता है जब भी आप किसी फोन की वेबसाइट पर जाते हो, जितनी फोटोज इन्होंने दिखाई होती है, मतलब इन जनरल क्या 100% चांसेस यही होते हैं कि वो लोग यही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, हमने इसी डिवाइस से ये सारी फोटोज ली हैं, जैसा कि ये सारी फोटोज हैं। बट सैमसंग 2018 की सोच अमेजिंग वाइल्ड थी, तो उन्होंने इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किया कि मतलब हम DSLR की फोटोज डाल देते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सभी कंपनियों से कि आज के टाइम पर इंटरनेट इतना पावरफुल हो चुका है कि पता चल जाता है लोगों को, सो मत सोचो ऐसा। तो सैमसंग गैलेक्सी 8 स्टार के फ्रंट पेज पे इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया। इस फोटो में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये फोटो इस स्मार्टफोन से क्या किसी भी स्मार्टफोन से कैप्चर नहीं हुई, और इससे भी छोटी सी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये बात इन्होंने लोगों को नहीं बताई। इन्होंने सोचा कि लोगों को क्या ही पता चलेगा। कुछ दिनों बाद इस फोटोग्राफर की जो ओनर लेडी थी वो सामने आई और उन्होंने कहा कि ये फोटो मैंने अपने इस DSLR से कैप्चर करी है। तो अब मैं बताता हूँ, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप फोटो सेल करते हो, तो इस लड़की ने अपनी फोटो वहीं सेल कर रखी थी। सैमसंग उस वेबसाइट पर गई, उन्होंने थोड़ी सी फोटोशॉप स्किल्स की मदद ली, कटआउट किया और बैकग्राउंड दूसरा लगा दिया, और उसमें मस्त गॉसेनबर्ग डाल के फोकस ऑन व्हाट नीडेड नॉट, फोटोशॉप भी गलत किया हुआ है। जब एक ही कैमरे से कोई एक फोटो क्लिक होती है ना, तो दोनों जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड होते हैं ना, डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं अगर हर चीज फोकस में होता है। अब ये बात सैमसंग को कौन समझाता 2018। अब ऐसी बात नहीं है, जब ये चीजें वायरल हुई, लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा क्यों, तो उन्होंने चुपचाप से वेबसाइट पे बस एक चीज ऐड कर दी, स्क्रीन इमेज आर सिमुलेटेड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ओनली। सैमसंग नेल्ड इट, सच्चाई इस वाले फोटो के निकल के आई, बट ये वाला जो पोस्ट स्क्रिप्ट नोट है ना, ये हर किसी पर स्क्रीन इमेज वाह। उस टाइम पर अगर ये टोन होती तो ये मस्त बजता। इस वजह से कहता हूँ, जो वेबसाइट पे चीजें होती हैं और जिनको इजीली प्रूफ नहीं किया जा सकता ना, कंपनी उस पर बेफाक होके मतलब झूठ लिख सकती है, और आज के टाइम पर तो वेबसाइट पे लिखा ये आता है। वैसे एक पुरानी वीडियो है MI वर्सेस Realme की, क्योंकि दोनों ही मेंशन करते हैं कि हम है नंबर वन, हम है नंबर वन, तो उसी का एक रियलिटी सच है। आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं, यहाँ आएगा नहीं तो यहाँ आएगा। 20 अप्रैल 2020, Huawei P40 Pro। स्मार्टफोन कैमरे के लिए ये कंपनी बहुत जानी जाती थी, अब थोड़ा दायरा सिमट के रह गया चाइना के अंदर या गूगल बैंड कंट्री के अंदर सिर्फ। लास्ट टाइम इन्होंने फोटो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था अपने फोन को प्रमोट करने के लिए, P40 स्मार्टफोन, ऑसम क्वाड कैमरा फोन। और आपको पता होगा ऐसे फोटो इवेंट की सबसे पहली कंडीशन होती है फोटो मस्ट बी टेकन फ्रॉम विद द फोन, और जो भी मतलब जिस भी प्रोडक्ट की बात हो रही है उसी डिवाइस से वो फोटो क्लिक्ड हुई होनी चाहिए। और गेस व्हाट, इस लिस्ट में तो दे लॉस्ट देयर ट्रैक, और उनके कुछ विनर्स की फोटो उन्होंने वीवो पे शेयर करी। जिनको नहीं पता, वीवो चाइना का सबसे फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वैसे आपके हिसाब से इंडिया का सबसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? टकाटक। उस फोटो को शेयर किया विद एक टैग के साथ, कैप्चर्ड वाया Huawei स्मार्टफोन। जैसा कि आपको पता है इंटरनेट का एरा है, बात दूर तक गई तो दूर से एक बंदा निकल के आया जो शॉट ऑन आईफोन कॉन्टेस्ट का विनर था 2018 में iPhone 6s के साथ। उस बंदे ने कहा कि जो ये फोटो है ना, ये DSLR से कैप्चर की गई, किसी फोन से नहीं, और उसने एक वेबसाइट शेयर करी, वो वेबसाइट है 500px, और उस वेबसाइट के ऊपर ये डेमोन्स्ट्रेशन, वो सेम फोटो वहां पर है, और वो इमेज कैप्चर थी निकॉन के मस्त DSLR, मतलब 3-4 लाख के आसपास का DSLR, निकॉन D850 से। और जब बात Huawei के पास पहुंची तो उन्होंने कैप्चर्ड वाया Huawei स्मार्टफोन का टैग हटा दिया, लेकिन उन्होंने एक चीज मेंशन और रखी हुई थी कि ये उनके कम्युनिटी में से किसी ने फोटो खींची है। जैसे कि MIUI या OnePlus का फोरम है, तो मतलब उनकी कम्युनिटी में से किसी ने खींची है, बट ये बात भी सच नहीं है। और फन फैक्ट, ये डिवाइस नंबर वन रैंक होल्ड कराती थी लास्ट ईयर DxO मार्क पर कैमरा क्वालिटी के अंदर। और इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइस का कैमरा खराब था, लेकिन डेफिनेटली फॉर श्योर इतना अच्छा भी नहीं था जितना उन्हें बिलीव हो गया था और पोस्ट कर दिया था। बट कैमरे में चीटिंग करने की आदत Huawei की पुरानी आदत, इन्हें लास्ट 2 साल में 2 बार और पकड़े जा चुके हैं DSLR कैमरे के फोटो को यूज करना एज अ मोबाइल वेबसाइट के ऊपर या नॉर्मली मतलब दूसरी जगह यूज करना।
और मजे की बात तो ये है कि इन्होंने एक बार फ्रंट कैमरे में मतलब DSLR की वीडियो दिखा के बताया था कि हाँ ये फ्रंट कैमरा है, और पकड़े जाने पर सिंपली वो लोग बस ये पुट कर देते हैं, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है और हमारे इंस्पिरेशन के लिए है। टाइम लिया बट मैं फिर भी हजम नहीं कर पाया, क्या आप कर पाए कमेंट डाउन। March 17, 2021 Realme GT हाईएस्ट AnTuTu स्कोर ऑफ 770221। कंपैरिजन वाइज MI 11 ले लो, सेम स्नैपड्रैगन 888 के साथ आता है, उसका स्कोर 708000। तो बेंचमार्क सुन के आप समझ ही गए होंगे इसमें भी झोल बेंचमार्क के नंबर्स का ही है, वो भी स्पेसिफिकली AnTuTu बेंचमार्क। लेकिन वो 2016 वाला पास तरीका कॉपी नहीं किया इन्होंने अपने बड़े भैया वन प्लस से, ना 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 ना, नया तरीका बिल्कुल चीटिंग 2.0 लेके आए ये लोग। और हाँ सच बता रहा हूँ, इन्होंने काफी मेहनत करी है इसके लिए, नकल 2.0 वर्जन। इतने बड़े स्कोर को पाने के लिए इन्होंने दो जगह चीटिंग करी, सबसे पहले वही CPU के मल्टी कोर स्कोर को छेड़खानी करके, मतलब वही हैवी कोर्स को आगे रख के परफॉर्मेंस को ओवर बूस्ट कर देना स्पेसिफिकली इन AnTuTu बेंचमार्क ऐप। दूसरी जगह जो इन्होंने जबरदस्त चीटिंग करी है ना, वो है इमेज डीकम्प्रेशन टेस्ट में। अब आपने अगर कभी AnTuTu बेंचमार्क देखा हो या करा हो तो आपको दिखेगा एक इमेज डीकम्प्रेशन टेस्ट होता है जिसमें बहुत बड़ी इमेज फाइल होती है उसको वो लोड कराने की कोशिश करते हैं। उन्होंने उसी वाले प्रोसेसर में सिर्फ हैक्स कोड कॉपी की और मोज़ेक काइंड ऑफ बड़े बड़े बस कलर ऑफ ब्लॉक्स डाल दिए और बस सॉफ्टवेयर को ये फील करा दिया कि हमने ये टेस्ट जल्दी कर दिया। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जो एक्चुअली आना चाहिए था और ये वाला ये लोग लेके आए। इस टेस्ट से मुझे उसकी याद आ गई, व्हाट यू ऑर्डर ऑनलाइन और व्हाट यू गेट। और हाँ, इनको इस चीज के लिए सजा भी दी गई, 3 महीने के लिए इन्हें बॉयकॉट कर दिया गया AnTuTu की वेबसाइट की लिस्टिंग पे से, और इनको फाइनल वार्निंग भी दी गई, ले जाओ अपने स्कोर्स को और इसे फिक्स करो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। वैसे मुझे आज समझ आया इस ब्रांड का टैगलाइन का मतलब, मजाक कर रहा हूँ, कंप्लीटली जोक। ये वाली बात March 27, 2021 सेम कंपनी अगले 10 दिन, ये लोग पकड़े गए अपने फोन के लॉन्च इवेंट में गेमिंग टेस्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आईफोन की वीडियो का यूज करना और इसके एक्सप्लेनेशन का वेट करना, क्योंकि ये वाला एक्सप्लेनेशन ना आपको भी समझ नहीं आएगा, समझना हजम नहीं होगा। तो चलो कहानी को रिकैप करते हैं, मतलब सब अच्छा पंडित से देख दिखवा के लॉन्च इवेंट की तारीख डिसाइड की गई। बांग्लादेश के अंदर ये फोन लॉन्च हो रहा था, रियलमी नार्जो 30A। एक मैं काम की चीज बताता हूँ, ये फोन ना लोअर बजट है, मतलब 8,500 से स्टार्टिंग होती है और लगभग 12,000-13,000 तक जाता है हायर मॉडल। तो इससे डेफिनेटली कोई भी बंदा ना तगड़े वाला पबजी तो वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा दिमाग चलता है कंपनी का। मस्त लॉन्च इवेंट जा रहा था अंटिल गेमिंग राउंड के लिए पबजी गेम का डेमोन्स्ट्रेशन लाइव शुरू हुआ, मस्त स्टेडियम का गेम प्ले चल रहा था, बट सडनली एक पॉपअप आया गाइडेड एक्सेस का जिसने लिटरली रियलमी के रास्ते भटका दिए। गाइडर डिसगाइडर, ओके, जिन्हें नहीं पता ये पॉपअप सिर्फ आईफोन के अंदर आता, पर्टिकुलर इसकी सेटिंग्स भी होती है जिससे आपको ना सिंगल ऐप को परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए होता है, और साथ में जो अनवांटेड टचेस एरिया होते हैं बटन को डिसेबल करना, जब आप इसे ऑन करते हो ये सारी चीजें हो जाती है। वेट अ मिनट, क्या मैंने कहा ये सिर्फ आईफोन के अंदर है? आई रिपीटेड, ये सिर्फ आईफोन के अंदर होता है। और हाँ, ऐसी बात नहीं, इतने बड़े फंडे के बाद रियलमी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगी, डेफिनेटली उन्होंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि ये गलती एडिटिंग टीम की वजह से हुई है, उन्होंने दूसरी वीडियो प्लेबैक कर दी बैकग्राउंड में। हाँ आई ट्रस्ट देम, हाँ नहीं उतरी, यहाँ से नीचे नहीं उतरी बात, मतलब पॉइंट ये है कि गलती का कोइंसिडेंस का लेवल देख रहे हो कितना ज्यादा है, सिर्फ आईफोन की वीडियो प्लेबैक हुई है वो भी पबजी ही खेलते हुए, मतलब पबजी ही प्लेबैक हो रहा है। मतलब मैंने सुना था कि लॉन्च इवेंट में डमी फोन्स तो अवेलेबल होते हैं लेकिन डमी में पबजी खेलते हुए दिखते हैं, हाँ पबजी नहीं खेल रहा हूँ यार, एक्टिंग करने आया हूँ मैं यहाँ। ओके, लास्ट की बात मजाक थी, अब कुछ डिस्क्लेमर अबाउट दिस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ। सिर्फ यही कंपनी नहीं है जिन्होंने मतलब ऐसे कुछ कांड किए हैं, ये कुछ मेजरली जो मेरे नजर में आए, मैंने किसी एक कंपनी को टारगेट नहीं किया, हाँ उन्होंने एक टाइम पर ऐसी गलती करी थी, आई होप फ्यूचर में ना करे, बस मैं कुछ ऐसे हिस्ट्री की कुछ रिपीटेशन कर रहा था ताकि आपको मैं एक बात समझा सकूं। इस वीडियो के मोटिव की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहली चीज, कंपनी नंबर्स गेम का गेम बहुत खेलती है और एज अ यूजर आपको उस नंबर गेम के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना। नंबर गेम देखो कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले तो हम बेंचमार्क की तरफ रिलाय करते हैं, तो कंपनी वहां सबसे ज्यादा घपला करने की कोशिश करती है। कैमरा के मेगापिक्सल्स, यस यहाँ पर भी बहुत कंपनियां मेजरली पार्ट करती हैं कि लोगों को गिमिक ही देना, नंबर्स ऑफ कैमरा कह सकते हो, और वेबसाइट लिस्टिंग पे जो फोटोज डली होती है ना वो सारी चीजें, मतलब कह सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फेक के बराबर आप कंसीडर कर सकते हो,
जो रियल लाइफ यूज है, जो बंदा भी एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हो ना, या आपने खुद किया हो, उसी से आप जज कर सकते हो उस डिवाइस को। मतलब सिर्फ कंपनियों के इस नंबर गेम पे आपको रिलाय बिल्कुल नहीं होना, और कंपनियों को ऐसा लगता है कि उनको नंबर गेम खेलना पड़ेगा ताकि वो लोगों की नजर में आ सके, और अगर हम ही इसकी कोई वैल्यू ना करें तो शायद हमें मतलब इसके नंबर से फर्क भी नहीं पड़ेगा। बट एक चीज से मुझे फर्क पड़ता है, अगर आप सब्सक्राइब करके हमारे नंबर को इंक्रीज कर दोगे। 211वें की तलाश, रेड से कलर निचोड़ते रहो और मुझे कमेंट में जरूर बताओ, मुझसे झूठ मत बोलना कमेंट सेक्शन में। अगर मैं मेन चीज की बात करूं तो आप ये देख सकते हो कि प्रोसेसर कौन सा है उस फोन के अंदर, वो प्रोसेसर अंडरक्लॉक वाला तो नहीं है। आप स्टोरेज वर्जन चेक कर सकते हो UFS का कौन सा है, 3.1 है तो और बेहतर है। आप HD से बेटर फुल HD पे रिलाई कर सकते हो बजट में, अगर आप डिवाइस देख रहे हो बिल्कुल बिलो 12,000 के अंदर। आप 90Hz के सैमसंग वाले ट्रैप के अंदर ना फंसना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जानो अंडर 15,000 सैमसंग के काले झूठ के बारे में, वरना राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके आपका स्मार्टफोन कितना चलेगा, हाँ भावेश करेगा भविष्यवाणी, जरूर आए वहां पर।